गाइस यहाँ पे अमेजॉन बेसिक का एक बॉक्स आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अमेजॉन बेसिक का पेपर क्राफ्ट पेपर कटर है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अमेजॉन की तरफ से ये ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं इसको देखता हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि ये बॉक्स में ही है, सिर्फ इसके ऊपर रैपर वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये बिल है इसके अंदर, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अमेजॉन बेसिक का है, अमेजॉन का ही प्रोडक्ट है, तो उन्होंने इस तरीके से भेजा है। तो ये प्लास्टिक का है अंदर, पता नहीं कैसे है, मतलब कि सही सलामत है कि नहीं। वो बॉक्स को अभी अनबॉक्स करके देखते हैं। फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। दरअसल अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे आपको पेपर कटिंग का ज़्यादा काम करना पड़ता है, पेपर काटना पड़ता है, कैंची से पेपर जो है स्ट्रेट नहीं कटता है, टेढ़ा हो जाता है, फ़ोटो अगर आप काट रहे हैं, या ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको पेपर कटर करना पड़ता है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे आपको ब्रांड मिल जाएंगे, मगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। अगर आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट लेने हैं जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कैसा होगा, तो आप अमेजॉन बेसिक का ले लेना, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है अमेजॉन बेसिक का, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं और उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। फिलहाल इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले जो अमेजॉन बेसिक बनाता है, तो उस अमेजॉन बेसिक का ले लें, आँख मूंद के ले लें, आपको उसकी क्वालिटी जो उस प्राइस रेंज में अदर ब्रांड है उससे अच्छी ही मिलेगी। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर मालूम है तब तो आप उसको ही ऑर्डर करेंगे। फिलहाल इसको करते हैं अनबॉक्स, और इसको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अनबॉक्स करके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। इस बॉक्स इस तरीके से देखिए, कुछ पैक है यहाँ पे, ये बिल है। अगर इसको यहाँ पे बाकी देखिए, पीछे यहाँ पे अमेजॉन बेसिक लिखा हुआ, बाकी यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में सब लिखा हुआ, क्राफ्ट पेपर ट्रिमर, अलग अलग लैंग्वेज में ये लिखा हुआ शायद। और बाकी बात करें तो यहाँ पे भी चाइना चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है मेड इन चाइना है। और हाँ, लिखा हुआ है इस पर, टेप चिपका हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ मेड इन चाइना है यहाँ पे। तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स, और यहाँ पे बिल है, और ये बिल अलग से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं पहले। तो गाइस ये बिल देखिए, इसमें ये बिल है। और तो गाइस यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये पैक है, और अंदर कोई थर्माकोल वगैरह नहीं है, ये देखिए अंदर खाली है। और ये है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बात करें तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, और कहीं से ये डैमेज वगैरह नहीं है, आपको अच्छा मिल जाता है। तो वैसे तो ये प्लास्टिक का ही है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे अमेजॉन बेसिक की ब्रांडिंग आपको मिलती है ऊपर, ये आप देख सकते हैं अमेजॉन बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये स्केल है, और स्केल इस तरीके से ये मूव हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मूव कर सकते हैं। और ये टेप है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे ये ब्लेड होती है, ये ब्लेड जो होती है इसको रख के इस तरीके से कटिंग की जाती है इस पर। और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे ये जो एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डीप यहाँ पे कट है, मतलब कि इसके अंदर ब्लेड जाके ये पेपर को काटता है, इस तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है। और बाकी यहाँ पे कुछ मेजरमेंट है, स्केल है, जैसे कि स्केल है इसमें, तो स्केल में कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, कुछ एंगल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, 45 डिग्री इधर दिया हुआ, 45 इधर, और ये 90। तो इस तरीके से पेपर रख के आप अगर 45 में काटना चाहते हैं इस तरीके से, तो वो भी यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिया हुआ। बाकी बात करें नीचे, तो नीचे आपको कुछ यहाँ पर रबड़ पैड भी मिलता है, ताकि अगर आप कहीं रखते हैं तो ये स्लिप नहीं करेगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि 500 रुपये के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा। मगर एक चीज़ यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये जो ब्लेड है उसको एक एक्स्ट्रा ब्लेड भी जो है कंपनी को देना चाहिए, मान लीजिए ख़राब हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा भी साथ में देना चाहिए। फिलहाल 500 रुपये में और क्या लेंगे, और ये भी बहुत स्मूथ है। तो इसको आप काट के आपको पेपर दिखाते हैं कैसे करता है। वैसे यहाँ पे मैंने पेपर ले आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ पेपर है मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर है। वैसे फ़ोटो पेपर इसमें कटिंग हो जाता है करीब आप 200 GSM तक यहाँ पे, या 254 GSM, 300 GSM आप काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये 75 GSM का पेपर है, तो 75 को अगर आप 3 कर देंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं 3 एक साथ आपको कटिंग करके यहाँ पे दिखाता हूँ,
फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे इसको कटिंग करूँगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। मैं चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे अब इधर काटना है तो इसको दबा के इस तरीके से, गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो क्वालिटी है कटिंग की, मतलब कि जैसे कि एग्जैक्ट आप ये जो पेपर देख रहे हो वैसे पुराना हो गया है, उससे भी अच्छा ये यहाँ पे कटिंग यहाँ पे हुई। आप देख सकते हैं आपके सामने, ये देखिए आराम से कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ और एकदम परफेक्ट यहाँ पे कटा हुआ साइज आप देख सकते हैं ये। तो आपको अगर काटना है इस तरीके से इतना करीब 3 4, इसको 5 6 7 आप जो है करके 5 पेपर मैक्सिमम आप जो है इसमें इसको काट सकते हैं। मुझे लगता है कि आप 6 भी काट सकते हैं, मगर आप ज़्यादा मोटा मत काटिएगा इसमें। 6 पेपर 5 पेपर बहुत है, इनफ है इतना मोटा। जैसे इस तरीके से अगर आपको कुछ काटना है तो आप काट सकते हैं। एक बार और आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये काटने में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रख के दोनों साइड से आप काट सकते हैं, बहुत आराम से कट जा रहा है। ये देखिए ये कट गया फिर से, इधर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कटिंग करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इसके बारे में, वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और मुझसे बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रितेशन34, वहाँ पे इंस्टा आईडी है, जाके फॉलो करें, मैसेज करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।